सियासत के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार। इंडिया में भाव नहीं तो एनडीए में कोई पूछ नहीं, भरोसे का साथी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी की गोद में बैठकर मुख्यमंत्री के पालने में बेखटे झूलने वाले नीतीश कुमार के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। इंडिया अलायंस में उनकी छीछा लेदर जितनी हो रही है, वैसे दिन तो एनडीए के साथ वर्षों गुजारने पर भी उन्हें देखने को नहीं मिले थे। पश्चाताप भी अब उन्हें वह रुतबा लौटा नहीं सकता जैसा उन्हें एनडीए में शामिल था। नरेंद्र मोदी को पीएम बनने के पहले और बाद में भी चुनौती देकर वे एनडीए में उतना अपमानित नहीं हुए जितना इंडिया अलायंस बनाकर उन्हें जलील होना पड़ रहा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 6 महीने पहले तक नीतीश के ही साथ रहे, नीतीश कुमार ने ही उन्हें सीएम बनाया था। उन्होंने इसका जिक्र भी अपने अंदाज में विधानसभा में किया था। उनके उस अंदाज की चौतरफा आलोचना भी हुई थी। मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार रंग बदलते रहते हैं, आगे भी वे रंग बदले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीयत ही ऐसी रही है कि वे समय समय पर अपना रंग बदलते रहे हैं। अभी जैसी परिस्थिति उनके सामने है, मैं ऐसा समझता हूं कि आज उनकी ना आरजेडी में कोई पैठ रह गई है और ना एनडीए में वापसी का नैतिक साहस ही बचा है। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करेंगे, ऐसे में वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार की पहचान उनकी ईमानदारी, उनके गवर्नेंस और कामकाज के तरीके से एक गंभीर राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। उन्हें गठबंधन चलाने का भी व्यापक अनुभव है, इसलिए 2005 से अब तक उनकी सियासत गठबंधन की ही रही है। दूसरे नेताओं की तरह उन पर परिवारवाद या वंशवाद का ठप्पा भी नहीं लगा है। गठबंधन की राजनीति में वे पारंगत हैं। इसके बावजूद उनका अपनी रणनीति के हिसाब से इधर उधर आते जाते रहना अब उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन की उनकी आवाजाही अब उनके ही गले की हड्डी बन गई है। एनडीए में रहते बीजेपी के नेता भी उनसे मिलते थे। सुशील मोदी तो शुरू से ही रिश्ता टूटने तक उनके डेप्यूटी सीएम रहे। इंडी अलायंस में आने के बाद उन्हें जरूर इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आरजेडी या कांग्रेस के नेता उन्हें घास नहीं डालते। जीतन राम मांझी की जुबानी यह भी सुनने को आया कि दिल्ली में अपने डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव से उन्होंने मिलने की कोशिश की, पर उन्होंने मिलने से, यानी तेजस्वी ने मिलने से इनकार कर दिया। अब नीतीश के सामने दूसरा सबसे बड़ा संकट यह है कि एनडीए में उनकी वापसी का दरवाजा बीजेपी ने बंद कर दिया है। हालांकि बीजेपी को नीतीश जैसे सहयोगी की सख्त जरूरत है। बीजेपी अभी तमाशा देखने के मूड में है। नीतीश बीजेपी से सौदेबाजी करते रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर दावेदारी उस वक्त भी नहीं छोड़ी जब उन्हें बीजेपी से बेहद कम सीटें विधानसभा में मिली थी। बीजेपी की नीतियों की आलोचना करने का कोई मौका नीतीश ने नहीं छोड़ा। इसके बावजूद बुरे दिन में बीजेपी ने ही उनका साथ दिया, वह चाहे 2005 हो या 2017। इसके बावजूद नीतीश ने 2022 में बीजेपी को अलविदा कह दिया और उसी के खिलाफ विपक्षी दलों की गिरोहबंदी शुरू कर दी। यह भी सच है कि नीतीश के सामने सरेंडर करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। वे अब आरजेडी के आगे हथियार डाल दे या बीजेपी के सामने सरेंडर करें, बीजेपी उन्हें अपना सकती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। शर्तें उनके लिए टेढ़ी हो सकती हैं। मसलन सीएम पद का मोह त्याग सकते हैं। वह 2019 की तरह सीटों पर बार्गेनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए बीजेपी इस बात का इंतजार करेगी कि उन्हें इंडिया अलायंस में कितनी सीटें मिलती हैं। नीतीश के सामने एक और संकट है, वह है अपनी पार्टी को टूट से बचाए रखना। इंडिया अलायंस में सीटें कम मिले तो जेडीयू में टूट का खतरा है। जेडीयू के कई सांसद नीतीश को यह बता चुके हैं कि एनडीए में उनकी जीत कितनी आसान थी, इंडिया अलायंस में अब उतनी ही मुश्किल दिख रही है। आरजेडी की ओर से विधायकों को तोड़ने का खतरा अलग मंडरा रहा है। कुल मिलाकर नीतीश की हालत किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो गई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका अगला कदम
अब क्या होना चाहिए।